नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान, महाविकास आघाड़ी में 200 सीटों पर बनी सहमति, शरद पवार ने किया दावा। बहराइच हिंसा में 5 आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में 2 को लगी गोली, नेपाल भागने की फिराक में थे सभी आरोपी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति को तगड़ा झटका, महादेव जानकर ने खुद को NDA से किया अलग, अकेले लड़ेंगे महाराष्ट्र चुनाव। कनाडा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश का एक होना जरूरी। रविवार को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 14 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 10 नवंबर 2024 को वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश कर दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 10 नवंबर 2024 को वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश कर दी है। CJI ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जस्टिस खन्ना के नाम का प्रस्ताव रखा है। मोदी सरकार को भेजी गई सिफारिश में उन्होंने कहा है कि संजीव खन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वहीं अगर केंद्र सरकार CJI चंद्रचूड़ की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। CJI के रूप में जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक करीब 7 महीने का होगा। जस्टिस खन्ना को जनवरी 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गठबंधनों में उथल पुथल शुरू हो गई है। एक ओर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गठबंधनों में उथल पुथल शुरू हो गई है। एक ओर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर मंथन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर महायुति में भी कई बैठकें हो रही हैं। इस बीच महायुति को बड़ा झटका लगा है जब राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकर ने महायुति को छोड़ने का ऐलान किया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि महादेव जानकर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी अब अकेले ही विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार उन्होंने परभणी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्होंने महायुति से अलग होकर खुद को और अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग कर चुकी है, लेकिन अब ये और भी जरूरी हो गया है कि प्रधानमंत्री इस प्रकरण पर स्पष्ट और ठोस रुख अपनाएं। कांग्रेस ने कनाडा के भारत पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को विश्वास मिले। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पहले ही इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग कर चुकी है, लेकिन अब ये और भी जरूरी हो गया है कि प्रधानमंत्री इस प्रकरण पर स्पष्ट और ठोस रुख अपनाएं। जयराम रमेश का मानना है कि विपक्ष को और भी इस मामले में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को हो रहे नुकसान से बचाव किया जा सके। साथ ही जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि ये मामला केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी दोनों ही राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी। आपका फोकस अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पार्टी दोनों ही राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी। आपका फोकस अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। दरअसल महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई संगठनात्मक विस्तार के लिए कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस पर आलाकमान की मंजूरी मिलने की संभावना कम ही है। आप दिल्ली चुनाव पर अपना पूरा फोकस रखना चाहती है और दिल्ली से पहले ऐसे किसी चुनाव में नहीं उलझना चाहती जहां पार्टी का संगठन काफी मजबूत ना हो। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी आलाकमान चाहता है कि इंडिया गठबंधन के साथ इन राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़े ताकि BJP को नुकसान हो, इसलिए भी आप दोनों राज्यों में हाथ नहीं आजमाना चाहती। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया था और महायुति के नेताओं के लिए प्रचार भी किया था।
वहीं अब उन्होंने विधानसभा में अकेले लड़ने का फैसला लिया है। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो बाकी दलों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद MNS सरकार में होगी। MNS सभी राजनीतिक दलों के बीच सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में कुछ बदलाव किए गए हैं। मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और साथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में कुछ बदलाव किए गए हैं। मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड ने ये बदलाव करवाए हैं। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि भारत में कानून अंधा नहीं है। नई मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाया गया है। CJI DY चंद्रचूड ने खुद इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया था। दरअसल आपको बता दें कि पहले की मूर्ति में आंखों पर पट्टी का मतलब था कानून सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। हाथ में तलवार दिखाती थी कि कानून के पास ताकत है और वो गलत करने वालों को सजा दे सकता है। हालांकि नई मूर्ति में एक चीज जो नहीं बदली वो है तराजू। मूर्ति के एक हाथ में अब भी तराजू है जो ये दर्शाता है कि न्यायालय किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता है। महाराष्ट्र के चर्चित IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पॉलिटिक्स में एंट्री होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक समीर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के चर्चित IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की पॉलिटिक्स में एंट्री होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक समीर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे। समीर मुंबई की धारावी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल राजनीति में प्रवेश करने से पहले समीर वानखेड़े को IRS पद से इस्तीफा देना होगा और केंद्र सरकार गृह विभाग द्वारा इस्तीफा स्वीकार करना होगा। इसके बाद राजनीति में एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। समीर वानखेड़े को जाबाज अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद गिरोह के ड्रग नेक्सस को तोड़ा। सिंगर मीका सिंह को कस्टम चोरी मामला, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में जेल डालने जैसे केसेस हैंडल किए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। सियासी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बात की संभावना ज्यादा है कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल खबरें ये भी आ रही हैं कि आपकी योजना है कि महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पार्टी महाराष्ट्र में मतदाताओं के मन में और ज्यादा भ्रम पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए पार्टी हाईकमान ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब BJP और कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच सीधी फाइट होगी। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।